हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा करें तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, इससे पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन का दिया है। इंट्रोडक्शन में हमने आपको टोटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था कि इंस्ट्रूमेंट हमको कौन कौन से इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। अब उनमें से हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको कंप्लीट बताते चलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था आपका ड्रॉइंग बोर्ड। हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? ड्रॉइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड हमें कैसा दिखता है? ड्राइंग बोर्ड हमें कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड हमें इस प्रकार का दिखता है। मैंने इसको बैक साइड से दिखाया है। इसकी जो फ्रंट साइड होती है, जैसा हमारा बोर्ड है, इस प्रकार से प्लेन होता है और ये सॉफ्ट वुड का बनाया जाता है। कैसी वुड का बनाया जाता है? सॉफ्ट वुड का। ड्राइंग बोर्ड कैसी वुड का बनाया जाता है? सॉफ्ट वुड का, जिसमें आपकी पिन आराम से लग जाए। ठीक है, तो ऊपरी साइड इसकी प्लेन होती है और नीचे से सब बैठ, यानी कि ये क्या, स्ट्रिप्स की हेल्प से जोड़ा जाता है। इसमें 4 से 6 स्ट्रिप्स जुड़ जाती है। जैसे एक स्ट्रिप्स ये 1 2 3 4, जो हमने ये बनाया है, ये 4 स्ट्रिप्स का बनाया है। कितनी? 4 स्ट्रिप्स का हमने ये बनाया है। ये आपकी क्या है? स्ट्रिप्स। 4 स्ट्रिप्स को हम किसकी हेल्प से जोड़ते हैं? बैटन की हेल्प से। एक बैटन ये लगी है, एक बैटन ये लगी है और दूसरी बैटन ये लगी है। हम स्ट्रिप्स को बैटन की हेल्प से जोड़ देते हैं और ऊपर की साइड इसकी कैसे रखते हैं? प्लेन रखते हैं। तो फोर स्ट्रिप्स को हमने बैटन की हेल्प से जोड़ दिया और बैटन की हेल्प से जोड़ने के बाद इनको स्क्रू से टाइट कर दिया। ये स्क्रूस लगे हैं, स्क्रू से टाइट कर दिया। अब देखते हैं, इसके लेफ्ट हैंड पर एक एबोनी वर्किंग एज लगा होता है। एबोनी एज भी बोलते हैं इसको, एबोनी एज भी बोलते हैं और वर्किंग एज भी बोलते हैं, यानी कि कार्यकारी किनारा। कार्यकारी किनारा में होता है, यानी कि जिस पर हम वर्क करते हैं टी स्क्वायर को रखकर। किसको? टी स्क्वायर को रखकर। तो ये था इसके बारे में। अब हम थोड़ी सी देखो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या? ड्रॉइंग बोर्ड इज रेक्टेंगुलर इन शेप। ड्रॉइंग बोर्ड की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, इज मेड ऑफ 4 to 6 स्ट्रिप्स। ये जो हम बनाते हैं, या तो 4 या 6 स्ट्रिप्स को बैटन की हेल्प से जोड़ देते हैं, यानी कि या तो 4 या 6 स्ट्रिप्स लेंगे और उनको बैटन की हेल्प से जोड़ देंगे। ठीक है, ऑफ ए वेल सीजनिंग, आपकी जो वुड होगी वो वेल सीजनिंग होनी चाहिए। ठीक है, वेल सीजनिंग सॉफ्ट वुड। कैसी वुड होनी चाहिए? सॉफ्ट, मुलायम वुड होनी चाहिए। मुलायम वुड का ही हम ड्रॉइंग बोर्ड बनाते हैं। अबाउट 25 mm थिक, और इसकी थिकनेस, जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस ये कितनी होनी चाहिए? 25 mm, 25 mm की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। द वुडन स्ट्रिप्स आर क्लिटेड एट द बैक बाय 2 बैटन। ठीक है, इसकी बैक साइड को हम किससे? 2 बैटन से, बाई मीन ऑफ स्क्वायर प्रिवेंट वार्पिंग। ठीक है, प्रिवेंट कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं या थाम लेते हैं सभी को, कि किसकी? बैटन की हेल्प से स्क्वायर स्क्रू लगा के। ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड, ऑन द लेफ्ट हैंड एज, इसके लेफ्ट हैंड पर एक एज लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग एज या एबोनी एज। ऑन द लेफ्ट हैंड एज ऑफ द बोर्ड ए स्ट्रेट एबोनी, स्ट्रेट एबोनी स्ट्रिप्स, स्ट्रेट एबोनी स्ट्रिप, हमने क्या बोल दिया? एबोनी स्ट्रिप्स बोल दिया, या हम इसको एबोनी एज भी बोल सकते हैं। टू फिटेड अगेंस्ट विच द स्टोक ऑफ द टी स्क्वायर, हम इस पर टी स्क्वायर को मूव करते हैं। टी स्क्वायर लगा के हम इसको टी स्क्वायर को मूव करते हैं। टी स्क्वायर कैसा होता है? टी टाइप का। कैसे? टी स्क्वायर आपका इस टाइप का होता है, टी स्क्वायर आपका इस टाइप का होता है, जो इस पर हम रख के ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं टी स्क्वायर। अब देखो, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्रॉइंग बोर्ड, ड्रॉइंग बोर्ड का साइज अकॉर्डिंग टू IS, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्या? किसका? ड्रॉइंग बोर्ड का साइज। कुछ ड्रॉइंग बोर्ड के साइज दिए गए हैं, अब देख लेते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग बोर्ड के साइज है आपके, जैसे एंटी क्यूरिन, सबसे पहले होता है आपका एंटी क्यूरिन B0। एंटी क्यूरिन B0 होता है 1500 to 1000। ठीक है, या 1500 into 1000 का जो होता है ये, इसकी इसकी थिकनेस कितनी होती है? 25 mm। अब देखो, इसके बाद आता है हमारा डबल एलिफेंटा B1। डबल एलिफेंटा B1 क्या होगा? इसको 100 को 1000 को 1000 को यहाँ लाए और 1500 को का किया हमने हाफ। इसका हाफ किया तो हमारा पास क्या जाएगा? 750 आ जाएगा। तो हम कितना लेते हैं? 700 ले लेते हैं। अब देखो, ये हो गया हमारा ये। अब आगे सिक्वेंस चलता रहेगा। अब हमारा इंपीरियल साइज B2, इंपीरियल साइज 700 यहाँ आया, इसका हाफ किया 500 आ गया।
1000 का हाफ करने 500 आ गया। अब आप हाफ इंपीरियल साइज B3, 500 यहाँ आया, इसका हाफ किया 350 आ गया, ठीक है। अब क्वार्टर इंपीरियल साइज B4, इसको यहाँ पर लेकर आए और इसका हाफ किया 250, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। और इनका साइज कितना होता है, ठीक है, इंपीरियल का साइज कितना आता है 15 mm का साइज हमारा थिकनेस होती है, ठीक है, इनकी थिकनेस होती है। तो ऐसा आपका होता ही है। और सबसे ज्यादा मोस्टली यूज किया जाने वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोस्टली यूज किया जाने वाला इंपीरियल साइज B2, इंपीरियल साइज B2 यानी कि 700 × 500 इसकी क्या होती है, 700 लेंथ और विड्थ होती है इसकी 500। तो हमारा सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किया जाता है इंपीरियल साइज, यानी कि हमारा जो बोर्ड होता है, हमारा जो ड्राइंग बोर्ड होगा, जैसे ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, तो ये कितना होगा 700 × 500 mm का, ठीक है, 700 L और इसकी विड्थ होती है 500। इस mm का इंपीरियल साइज का हम क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोस्टली यूज किए जाने वाला ड्राइंग बोर्ड है ये, ठीक है। तो याद रखना हम कौन से ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं, इंपीरियल साइज का, इंपीरियल साइज यानी कि B2, हम कौन सा यूज करते हैं B2 मतलब इंपीरियल साइज, कितना 700 × 500। याद रखना आपको कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोस्टली यूज किया जाने वाला ड्राइंग बोर्ड कौन सा है, B2 है। उसका नाम क्या है, इंपीरियल साइज, इंपीरियल साइज B2 का नाम क्या है, इंपीरियल साइज। उसका साइज कितना था 700 × 500 और थिकनेस कितनी होती है 15 mm, थिकनेस कितनी होती है 15 mm। तो ये थी हमारी ड्राइंग बोर्ड के बारे में बात, ड्राइंग बोर्ड की डिटेल थी। इसके बाद हम आपको करेंगे सीट, हमारी जो ड्राइंग सीट होती है, ड्राइंग सीट के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।